Morning guys, welcome back to my channel again. So today we started one more journey, and it's very famous location. If you know, it's Goa. हमने जिंदगी में कभी ना कभी गोवा का प्लान जरूर किया है, बट अनफॉर्चुनेटली कईयों का सक्सेसफुल हुआ, कईयों का नहीं हुआ. और फाइनली बहुत समय बाद मेरा प्लान भी सक्सेसफुल हो रहा है. ये है हमारी ऑल्ट्रोस और इसी से हम लोग जा रहे हैं गोवा. सो ये ट्रिप लगभग 1200 किलोमीटर की है और हम लोग नागपुर से ये ट्रिप स्टार्ट कर रहे हैं. नागपुर से गोवा का टोटल डिस्टेंस है टोटल 1100 किलोमीटर. ये जर्नी टोटल 22 घंटे की है इंक्लूडिंग स्टॉप्स. सो हमें वैसे लगातार तो हम जा नहीं सकते, सो एक दिन हम लोग स्टे करेंगे और होपफुली हम लोग कल गोवा पहुंच जाएंगे. सो चलिए फिर जर्नी स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं रास्ते में हम क्या क्या देखते हैं, क्या नज़ारे मिलते हैं और किस तरह हमने जर्नी कवर करते हैं. और गोवा पहुँच के भी आपको बहुत सारी चीज़ें हमें दिखाना है. सो इस सीरीज़ में बने रहिएगा और आपको हम गोवा के काफ़ी सारी प्लेसेस दिखाने वाले हैं. ऑलमोस्ट सभी लोगों ने गोवा के काफ़ी सारे वीडियोस देख रखे हैं, पर हम हमारे नज़रिए से आपको गोवा दिखाएंगे. जुड़े रहिए. हम लोग अभी है समृद्धि महामार्ग पे. तो ये जो हाईवे है समृद्धि महामार्ग, ये नागपुर से मुंबई तक के जाता है. सो इसका अभी अभी मतलब ये स्टार्ट हुआ है और ये पूरा अभी ओपन भी नहीं हुआ है. सो मुझे लगता है जहाँ तक आइडिया है ये शिरडी तक ही ओपन है, उसके बाद अभी भी काम स्टार्ट है इसका, मतलब चालू ही है. सो यहाँ पे जो स्पीड लिमिट है 120 किलोमीटर है. अभी इस हाईवे पे मतलब कोई फूड स्टॉल्स वगैरह नहीं है, कुछ अच्छे रेस्टोरेंट्स नहीं है. हाँ, बाकी आपको पेट्रोल पम्प वगैरह काफ़ी मिल जाएंगे और टोल बूथ्स अभी काफ़ी कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं, टोल बूथ सारे स्टार्ट्स हैं. बाकी इस रोड पे आप मस्त क्रूज़ करो और गाड़ी 100-120 पे आप बढ़िया से चला सकते हो. और काफ़ी ट्राफिक फ्री है, मतलब आपको ज़्यादा ट्राफिक नहीं मिलेगा. मैक्सिमम जो यहाँ पे है सिर्फ ट्रक ही वगैरह चल रहे हैं और कमर्शियल व्हीकल्स में, कार वार में तो मतलब बहुत कम ही मुझे दिख रही है कार्स. बाकी हाईवे बहुत अच्छा बना हुआ है, वेल डेवलप्ड, वेल मेंटेन और बहुत अच्छा लग रहा है यार ड्राइव करके, मज़ा आ रहा है. इसी पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे ऑलमोस्ट औरंगाबाद तक और उसके बाद फिर हम ये हाईवे को छोड़ के फिर हम लोग अहमदनगर वाले रूट पर लगेंगे. वो मैं आपको बताते रहूँगा जैसे जैसे हम लोग रूट चेंज करेंगे. फिलहाल तो नागपुर से ऑलमोस्ट 355 किलोमीटर हमें इसी हाईवे पे चलना है, उसके बाद फिर इस हाईवे से एग्जिट लेंगे. तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये हाईवे कैसा है, आइए देखते हैं. सो गाइस अभी हम लोग पहुँचे हैं फर्स्ट टोल पे. ये यहाँ का एंट्री टोल है, तो यहाँ पे आपका एक बार टोल डिडक्ट होगा, मतलब बैलेंस है. और जहाँ पे आप एग्ज़िट लोगे वहाँ तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करके फिर वो आपके फास्टैग के बैलेंस से डिडक्ट होगा. तो चलिए एंट्री टोल से एंट्री करते हैं और जब टोल डिडक्ट होगा तो उसका भी हमें मैसेज आएगा, तो मैं आपको एंड में बताऊंगा कि हमें टोटल कितना टोल लगा है यहाँ से नागपुर से औरंगाबाद तक का डिस्टेंस कवर करने. तो गाइस सामने आप देख सकते हैं ये ग्रीन कॉरिडोर है. ये इसका जो बेसिक पर्पस है वो ये है कि एनिमल एक एंड से दूसरे एंड क्रॉस कर सके, उनके लिए कोई डिस्टर्बेंस ना हो. तो ये जगह जगह पे बनाया गया है और ये काफ़ी अच्छा आइडिया है, काफ़ी अच्छा इनोवेटिव आइडिया है गवर्नमेंट के थ्रू, एनएचएआई के थ्रू, ताकि जो एनिमल है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ से बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो. और ये बहुत बढ़िया है.
तो गाइज अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं ये टनल, ये औरंगाबाद के पास ही लगभग बनी हुई है और काफ़ी वाइड टनल है और इसके आगे भी शायद टनल्स होगी, पर इस टनल के बाद हम लोग औरंगाबाद से के लिए एग्ज़िट लेने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कितना टोल डिडक्ट होता है। तो हमने टोल से तो एग्ज़िट ले लिया और जो टोटल टोल डिडक्ट हुआ है वो है 790 रुपीज़ नागपुर से लेके औरंगाबाद का। हम लोग सुबह लगभग 7:30 बजे नागपुर से चले थे और लगभग 11:15 के आसपास हम लोगों ने औरंगाबाद मतलब कवर कर लिया। ये टोटल डिस्टेंस 535 किलोमीटर। तो चलिए अब चलते हैं अहमदनगर की ओर और आपको दिखाते हैं वो वाला रास्ता भी। ये 4-लेन हाईवे होगा। ऐसे ये देखिए, ये गन्ने का जूस निकालने का बड़ा ही यूनिक तरीका है। हमने गांव में सुना ही होगा कोलू का भील, ये लगभग उसी तरह है। तो ये बैल जो घूमेगा और इसी से गन्ने का जूस निकलेगा। और ये महाराष्ट्र में हमें मतलब ये अहमदनगर वाले रूट पे काफ़ी जगह ये देखने के लिए मिला, तो हमने सोचा कि एक बार बैठ के इसका गन्ने का जूस पिया जाए। और ये काफ़ी यूनिक है, बड़ा बढ़िया लग रहा है ये देखते हुए। हमने इनसे पूछा भी तो उन्होंने कहा कि मशीन के द्वारा भी हम गन्ने का जूस निकाल सकते हैं, पर न बैलों का काम अभी खेतों में है, खेत भी ट्रैक्टर के द्वारा जोते जाते हैं, तो इसी वजह से इस बैल को भी रोज़गार मिल गया और थोड़ी बहुत कमाई हमारी भी हो जाती है। तो ये मुझे बड़ा अच्छा कंसेप्ट लगा। बाकी जूस भी बहुत टेस्टी था, एकदम नेचुरल टेस्ट जो लग रहा था ना, मशीन का जूस बिल्कुल डिफरेंट है और ये जो जूस निकाला जा रहा है इसका टेस्ट बिल्कुल प्योर, एकदम ऑथेंटिक टेस्ट है। अच्छा लगा मुझे ये। सो हम लोगों ने अहमदनगर तो क्रॉस कर लिया है और अभी हम निकल पड़े हैं सतारा की ओर। और आप देख सकते हो कितना प्यारा नज़ारा है, ये हाईवे बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है और ये पहाड़ों पे काटा गया ये रूट बहुत अच्छा लग रहा है सच में। तो इस रूट से और पता नहीं कितने दूर तक ही रहेगा, पर अभी तो बहुत प्यारा नज़ारा है, दोनों तरफ पहाड़ी पहाड़, मस्त लग रहा है। सो गाइस अभी हम लोग पहुँचे हैं कोल्हापुर और मुझे लगता है अब हमें यही रुक जाना चाहिए। शाम के 6:30 बजे हैं और लगभग आज हमने 1000 किलोमीटर कवर कर लिया है, तो काफ़ी टायर्ड सा महसूस हो रहा है। सो जो बचा 200 किलोमीटर है वो जर्नी हम कल सुबह स्टार्ट करेंगे। तो यही हाईवे साइड हम कोई अच्छा स्टे देख के हम आज का स्टे यही करेंगे। मिलते हैं आपसे कल के वीडियो में। गुड मॉर्निंग गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। सो हमारा day 2 है जर्नी का और हमने सुबह लगभग 6:30 स्टार्ट किया कोल्हापुर से। तो हमने ऑलमोस्ट 110 किलोमीटर कोल्हापुर बेंगलोर हाईवे पे कवर किया और उसके बाद हमने राइट टर्न लिया अम्बोली के लिए। सो इस रूट से होते हुए हम लोग अम्बोली पहुँचेंगे, अम्बोली से सावंतवाड़ी और फिर गोवा एंटर कर जाएंगे। तो ये हाईवे तो नहीं है पर ये ठीक ठाक बना हुआ रूट है, अब देखते हैं और आगे कैसा मिलता है, होपफुली अच्छा ही हो। तो बढ़ते हैं इस रूट पे और चलते हैं गोवा की ओर।
सो गाइज फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं ये गोवा हाईवे पे, यहाँ महाराष्ट्र बॉर्डर ख़त्म होता है। हमने अम्बोली वगैरह सावंतवाड़ी सब क्रॉस कर लिया है और एक बोर्ड पे आप सामने देख सकते हो काफ़ी सारी गोवा की सिटीज़ का नाम लिखा हुआ है और यहाँ पे आपकी पुलिस चेकिंग भी हो सकती है। सो चलिए चलते हैं हमारे होटल की ओर। एक्चुअली होटल नहीं है, वो एक प्रकार का होम स्टे है। हमने एक 2 BHK अपार्टमेंट रेंट पे लिया है नॉर्थ गोवा में वेगेटार बीच के पास। तो चलिए चलते हैं। ये आप देख सकते हो गोवा का चर्च। सो आज हम अपने होटल में ही स्टे करेंगे, शाम को जाएंगे बीच पे थोड़ा सा घूमने। और इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।